स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे सवाल जिसमें काफ़ी सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न होता है कि इस तरह के सवाल को आखिर कैसे बनाया जाए। यह सवाल काफ़ी प्रॉब्लम करता है समझने में, खास करके न्यू स्टूडेंट के लिए जो कि कॉम्पिटिशन की दुनिया में पहली बार कदम रखे हैं। तो चलिए हम इन सवालों को समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझा पाएंगे। जिस घड़ी हम सवाल बताएंगे, हो सकता है कि मेरा ध्यान कैमरे पे ना हो, आप लोग भी पूरा ध्यान आप बोर्ड पे फोकस कीजिएगा और सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि यदि दो अंकों की बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। देखिए, सबसे पहली बात, छोटी सी बात आपको बेसिक समझना होगा कि दो अंकों की संख्या है। मान लेते हैं कि हमारा एक संख्या 25 है। देखिए, ये दो अंकों की संख्या है, एक और दो। इसमें दो बातें हैं जो आपको समझना है। पहला कि इसमें एक अंक होता है इकाई और दूसरा होता है दहाई। तो कोई भी दो अंकों की संख्या है तो उसमें ये बातें रहेंगी कि एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो आपको कहा गया है कि दो अंकों की बनी एक संख्या, तो आपको दो अंकों की एक संख्या लेना है तो उसमें भी एक इकाई का अंक होगा और उसमें भी एक दहाई का अंक होगा। तो सिंपली है कि आप सबसे पहले इकाई का जो अंक है, हम इकाई का अंक को x मानते हैं और दहाई का जो अंक होगा उसे हम y मानेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी संख्या बनी नहीं है, अब हम इसे संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो इकाई के स्थान पे x को रख दीजिए और दहाई को लिखने के लिए संख्या जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे ये 10y हो जाएगा और इस प्रकार एक संख्या बनकर तैयार हो गई, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको कह रहा है कि उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या। अब करना यह है कि जो संख्या बनी है किसके अंकों को आपस में बदल देना है, यानी कि x y के स्थान पर आ जाएगा और y x के स्थान पर चला जाएगा। आपसे कह रहा है कि इसे 10x आप प्लस y कर दीजिए, ठीक है। बनाई गई संख्या का अंतर, यानी कि अब जो ये संख्या बना तो इन दोनों का जो अंतर है वो 99 है। क्या है? 99 है, यानी कि 99 है। कुछ नहीं है, बन गया है सवाल, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा -10x और -y बराबर 99। 10y में एक y चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9x, ठीक है, बराबर 99। 9 और 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस y हो जाएगा बराबर 99। 9 से ये कट जाएगा 11 बार में, यानी x माइनस y बराबर यहाँ पे 11। और आपसे कह भी रहा था कि संख्या का अंतर, तो उस संख्या के अंकों का अंतर बताए, तो उस संख्या के जो अंकों का अंतर आया वो कितना आया? 11 आया। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, इसी टाइप का दूसरा सवाल भी है। जिन लोगों को पहले सवाल में समझ में नहीं आया है वो दूसरे सवाल को ध्यान से देखें। दो अंकों की बनी एक संख्या है, उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का योग 33 है, उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। सवाल बिल्कुल पहले जैसा है और इस सवाल में आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि उसमें आपको माइनस में पूछ रहा था, यहाँ पर आपको प्लस में पूछा है, उसका योग पूछा है। सेम है, अगर उसकी इकाई का अंक हम x मानेंगे, दहाई का अंक अगर y मानेंगे तो जो संख्या बनकर तैयार होगी यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस 10y। ये आपका पहली संख्या बनेगी। उसके बाद जब संख्या के अंकों को आप पलटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x प्लस y, यानी कि आपको संख्या के अंकों को पलट देना है और उनका योग कह रहा है, तो उनका योग जो है कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है। बन गया सवाल, इसको आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y बराबर 33, 10y और 1y मिलके हो जाएगा 11y और यहाँ पे हो जाएगा 11x बराबर 33 और इन सब में 11 कॉमन है, y प्लस एक्स बराबर 33, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 33/11, जो ये कट जाएगा 3 बार में
तो वाई प्लस एक्स यानी इन दोनों संख्या का योग जो है कितना है, 3 है। इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।